न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। गोलमुरी में सड़क किनारे लग रही हैं सब्जी की दुकानें, दे रही बड़े दुर्घटना को निमंत्रण सरकार द्वारा आवंटित दुकानों में लगातार। गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज वाली सड़क के फुटपाथ पर एक बार फिर से अतिक्रमण कर दुकानें लग रही हैं। 27 जून 2019 को 88 फुटपाथी दुकानदारों को अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज के ठीक सामने 22,77,000 की लागत से 3 सेट दुकानों बनाकर आवंटित किया गया था, लेकिन यहां के दुकानदार वहां दुकान न लगाकर पुनः फुटपाथ पर ही दुकान लगा रहे हैं और सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी यातायात पुलिस की होती है, साथ ही साथ अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जमशेदपुर एक्सेस की भी है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही से सड़क और फुटपाथ लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। पूर्व में एबीएम कॉलेज के समीप सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया था। आपको बता दें कि यहां पर वर्ष 2008, 2011 और 2014 में इसी जगह पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि 9 इंची खुलने के बाद वहां पर बड़ी गाड़ियां जैसे डंपर, टेलर, इन सब गाड़ियों का परिचालन उस रोड में शुरू हो जाता है और सड़क किनारे फुटपाथी दुकानदार अपने दुकान लगाने से वहाँ पर लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके सामानों को खरीदते हैं, जिससे ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो सवाल यह बनता है कि सभी फुटपाथी दुकानदारों को दुकान आवंटित सरकार के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी दुकानदार अपनी दुकान को छोड़कर पुनः फुटपाथ पर ही अपनी दुकान लगा रहे हैं। आखिर कब हटेगा सड़क पर से, क्या ऐसे ही लगती रहेंगी दुकानें?